एक ऐसे आप खिलाड़ी जिनको मैंने पहले देखा है, अब जो अच्छे स्ट्राइकर है, बड़े शॉट्स लगाने में सक्षम है, पर ये समय ऐसा है थोड़ी इनिंग को बिल्ड करना है। 3 विकेट गिर चुके हैं, स्कोर 30 का है, 7 ओवर की समाप्ति, सचिन जोशी एक नया ओवर लेके आते हुए, और पिछला ओवर भूल नहीं सकते जैसे इन्होंने डाला था, गजब की लाइन और लेंथ, दबाव डाला, पैक्ड ऑफसाइड फील्ड है सचिन जोशी के लिए। मणिकट्टन इस वक्त स्ट्राइकर एंड पर, ये एक चाइल्ड आर्टिस्ट रहे, उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट, और थिएटर हो फिल्म्स हो, इन्होंने हर जगह नाम कमाया है इन द केरला फिल्म इंडस्ट्री। वेल अभी भी ये कॉलेज के बच्चे की तरह ही दिखते हैं। ये करीबी मामला, बिल्कुल करीबी, ऑस्ट्रम से गेंद ज्यादा दूर नहीं, समस्या ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा विद द स्पिन खेलना होगा, बाई का इशारा एम्पायर का, थोड़ा विद द स्पिन खेलेंगे ज्यादा चांसेस हैं कि बैट और बॉल के बीच में मिलाप होगा, पर अगर आप अक्रॉस द लाइन खेलेंगे फिर मुश्किलें बढ़ेंगी। ये देखिए ऑन साइड पे खेलने का प्रयास कर रहे हैं, ज्यादा गेंद टर्न नहीं हो रही, पर बेहतर रहता है कि आप इन साइड आउट खेलें, थोड़ा कदमों का इस्तेमाल करें। बहुत बढ़िया एफर्ट, बहुत ही बढ़िया एफर्ट, हालांकि पैर से रोता पर आसान नहीं रहता फॉलो थ्रू में। मुस्कुराते हुए सचिन जोशी, क्या परफॉर्मेंस रही थी पिछले साल और वो मेंटेन कर रहे हैं इस साल भी, बिल्कुल, जब टेलुगु वॉरियर्स ने खिताब जीता, दबदबा बना के रखा सचिन जोशी ने अखिल ने, और ये देखिए उठा के खेला है ऑन साइड पे। और जिस ट्रॉफी का मैं जिक्र कर रहा हूं, इस ट्रॉफी तो देखते ही मजा आता है, आप उसको साफ भी कर रहे थे अपने हैंडकरचीफ के साथ। और ये ट्रॉफी जीती थी टेलुगु वॉरियर्स ने पिछले साल, जो सब सीजन 5वां सीजन के जो खिताब था उनके नाम रहा, बेहतरीन परफॉर्मेंस, अखिल कप्तान थे, पर कुछ बहुत बढ़िया परफॉर्मेंसेस जैसे सचिन जोशी द्वारा। इस बार फिर से वापस आते हो दूसरे रन के लिए, पर इस बार घर आ जाएंगे सही समय पे। बट द नीड ऑफ द आवर इज बाउंड्रीज एंड सिक्सेस, 35 पे 3। इनका अप्रोच हमेशा अग्रेसिव होता है, पर मैं बताऊं सिद्धार्थ, राजीव पिल्ले ये इस टीम की ताकत है। बैटिंग की अगर आप बात करें, एक आध खिलाड़ी होते जो जान होती है टीम की, जैसे एक जमाना था जब तेंदुलकर भारतीय टीम की जान थे, आज विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, तो ये राजीव पिल्ले केरला स्ट्राइकर्स के स्तंभ है बैटिंग लाइनअप में। अगर ये चल गए, इनमें क्षमता है बड़े रन बनाने की, मुझे लगता है कि एक बड़ा स्कोर बना पाएगी केरला स्ट्राइकर्स की टीम। और राजीव पिल्ले के बारे में बताऊं, वो एक डेंटिस्ट है बाय प्रोफेशन, और डेंटिस्ट्री से क्रिकेट और एक्टिंग तक क्या जर्नी रही होगी। कुछ दिनों पहले आपके दांतों में दर्द था? हाँ, मैं कहता था राजीव पिल्ले, उन्होंने कहा कि आपके कमेंटेटर आपका मुंह तोड़ते रहते हैं। बस नाम मत लेना। नाम नहीं लूंगा। जब भी कोई इनसे पूछता है कि इनका प्रोफेशन क्या है, ये कहते हैं क्रिकेट एंड एक्टिंग, ना कि सिर्फ एक्टिंग। और ये मौका था एक और विकेट लेने का, और वही जानते हैं आदर्श, प्रयास पूरा किया, डायरेक्ट हिट की दरकार थी पर वो हुई नहीं, बहुत जल्दी अपने फॉलो थ्रू में दौड़ लिए थे। देखिए क्या घटा, बहुत दिलचस्प है, बहुत आगे निकलाए थे नौ स्ट्राइकर, पर जैसी गेंद को पकड़ा, वक्त भी मिला, एम भी किया, पर चूक गए। बट द नीड ऑफ द आवर मुझे लगता है सिंगल्स नहीं है, बाउंड्रीज की आवश्यकता है जो उन्हें नहीं मिल रही है। फ्रंट फुट पर सिद्धार्थ बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर मुझे लगता है समस्या यह है कि गेंदबाजी का जो स्तर है इतना उम्दा है, इतना जबरदस्त है कि रन बनाने आसान नहीं है। देखिए पहली विकेट गिरी 12 के स्कोर पे, दूसरी गिरी 26 के स्कोर पे, ये देखिए फिर से रन लेने का प्रयास किया, बाल बाल बचे, एक रन लेना तो कठिन हो रहा है, और बाउंड्रीज लूज बॉल आ नहीं रही, जो बाउंड्री बॉल कही जाती है। जी पिल्ले यही प्रयास कर रहे हैं, जितनी स्ट्राइक उनको मिले बेहतर रहेगा, हित में रहेगा टीम के।
बिग शॉट्स मारने की कोशिश कर रहे हैं पर कोशिश ही रही है। पर मैं देख रहा हूं हालांकि गेम इस वक्त थोड़े धीमी गति पर चल रही है पर फैंस को देखिए उनकी एनर्जी सेकंड बाय सेकंड बढ़ती जा रही है। दिस इज द लव फॉर सीसीएल। बिल्कुल, और सीसीएल सुपर फैंस की कॉल भी बहुत आ रहे हैं क्योंकि अब मौका है 1,00,000 रुपया जीतने का हर रोज, तो कॉल्स भी काफी आ रही है, राशि भी बड़ी है और क्रिकेट में भी काफी मजा आता हुआ, लुत्फ आता हुआ। मैंने सुना है कि कमेंटेटर्स को इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने का फिलहाल यहां पे एक रन और मिलता है ओवरथ्रो के कारण, 9 ओवर की समाप्ति 41-3। तो 9 ओवर की समाप्ति 41-3, पिछले ओवर के आखिरी गेंद पे चोट लगी थी या कोनी पे मणिकूटन को। देखिए क्या घटा था, अब ये दर्द काफी नजर आ रही है क्योंकि अब वही दिखाते हुए प्रयास किया था राउंड करने का, फिर कोनी पे जैसी थ्रो आई कोनी पे लगी सीधी और उसके बाद हालांकि एक और रन भी हुआ पर सीधी वो थ्रो वन बाउंस उनकी कोनी पे लगी, एल्बो पे लगी और वो दर्द महसूस कर रहे हैं अभी भी मणिकूट। हालांकि आजकल जो दर्द निवारक जो स्प्रेज है जो मैजिक स्प्रेज कहा जाता है उसका प्रयोग करते हैं, पर याद रखिएगा मर्द को कभी दर्द नहीं होता। पर यहां तो दर्द लग रहा है यार सिद्धार्थ, वापस जा रहे हैं मणिकूटन। तो मैं आपने वो दो तीन डायलॉग रटे हुए हैं और वही बोले जा रहे हैं। नहीं नहीं, जैनी हम वो है जो मिटने पर भी नहीं मिटते। हाई, अच्छा मैं आपको कह रहा था तो ये सारे जो कॉन्टेस्ट हो रहे हैं जो मैं ब्रेक से पहले आपसे बात कर रहा था, इसमें कमेंटेटर्स को परमिशन है हिस्सा लेने के लिए कि नहीं? देखिए इसके बारे में कहना बहुत कठिन है पर हमें भी आप शायद आप जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनसे पूछना होगा। पर मैं बताऊं कि हम भाग ले ना ले, जितने सीसीएल जो फैंस हैं कॉलर्स हैं उनके जितने कॉल आ रहे हैं वो लगता है इतनी तादाद में है